up, baby. You've only got 15 minutes left. इस मूवी की कहानी शुरू होती है दो बच्चों से जिनका कुछ नाम नहीं बताया गया था, लेकिन क्लैरिटी के लिए हम लड़के को बॉय और लड़की को गर्ल एड्रेस करेंगे। अभी शाम का समय था और दोनों बच्चे कैबिनन हॉस्पिटल में बिना किसी को बताए आए थे। असल में गर्ल को यह जगह पहले से पता थी और बॉय को यह जगह दिखाने के लिए लाई थी। गेट पर नो एंट्री का साइन लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद दोनों उस अबैंडन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। गर्ल बॉय को गाइड करके फर्स्ट फ्लोर के मॉर्ग रूम में लेकर जाती है। बॉय वहाँ से जल्दी अपने घर जाना चाहता था, लेकिन तब गर्ल उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उस मॉर्ग रूम के लॉकर में 10 सेकंड तक रहेगा तो वो उसे किस भी करेगी और उसे अपनी बॉडी को टच करने भी देगी। तब बॉय इस बात को मान जाता है और उस लॉकर रूम के अंदर घुसकर लेट जाता है। गर्ल बाहर से लॉकर रूम का डोर लॉक कर देती है, लेकिन जब बॉय 10 सेकंड काउंट कर रहा था तब गर्ल वहाँ से भाग जाती है। गर्ल वहाँ पर बॉय के साथ में प्रैंक कर रही थी। 10 सेकंड पूरा होने के बाद भी जब लॉकर का डोर नहीं खुलता है तो बॉय जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सीन इसके साथ में कट हो जाता है। फिर सीन सालों के बाद में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ईव नाम के एक वेटनरी स्टूडेंट को देखते हैं। वो वैसे तो वेट स्टूडेंट थी, लेकिन उसे एक्टिंग का ज़्यादा ही शौक था और एक्टिंग का उसे अच्छा चांस मिलने पर वो इस कोर्स को आधा अधूरा छोड़ने वाली थी, क्योंकि वो किसी भी एनिमल को हार्म नहीं कर सकती थी। आज भी उसके प्रोफेसर ने प्रैक्टिकल क्लास में एक रेट का डायसेक्शन करवाया था। बाकी स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर के कहने पर रेट को काट दिया था, लेकिन ईव उस रेट को हार्म नहीं कर पाती है। बस वो उस रेट को एक भेष का इंजेक्शन लगा पाती है। उसके ऐसे बिहेवियर को लेकर प्रोफेसर ईवा के लिए बहुत ही परेशान थे। उनके मुताबिक अगर ईवा ने एक कोर्स लिया है और उसे अगर आगे जाकर एनिमल का ट्रीटमेंट करना है तो पहले उसे कुछ एनिमल को मारकर उनकी बीमारी समझना पड़ेगी। अब उस प्रैक्टिकल क्लास में बस ईवा का ही रेट जिंदा बचा था। प्रोफेसर ईवा को स्टोर रूम में उस रेट को रखने को बोलते हैं, लेकिन जब ईवा स्टोर रूम के एम्प्लॉय को वो रेट देती है तो वो एम्प्लॉय उस रेट को मारने की बात कहता है, क्योंकि रेट को बेहोश का इंजेक्शन दिया गया था और किसी भी एनिमल को कोई भी मेडिसिन देने के बाद में उसे बाकी के एनिमल के साथ में नहीं रख सकते थे। तब ईवा उस रेट को अडॉप्ट कर लेती है। ईवा उस रेट का नाम डैन रखती है, जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का भी नाम था, और वो अपने फ्रेंड केट को भी वो रेट को दिखाती है। साथ ही वो केट को अपने एक फिल्म ऑडिशन के बारे में बताती है जो कि कल होने वाला था। केट उसे समझाती है कि उसे अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, वैसे भी कल उसका एनाटॉमी का एग्जाम है, लेकिन ईवा एग्जाम देने से मना कर देती है क्योंकि कल एग्जाम में एक केट का एनाटॉमी होने वाला था और वो किसी भी एनिमल को एग्जाम के नाम पर मार नहीं सकती थी, तो इसलिए कल वो एग्जाम की जगह ऑडिशन देने जाएगी। फिर ईवा केट को ग्रेड संभालने के लिए देकर बाथरूम जाती है और अपना पैंट खोलकर एक इंजेक्शन अपने पैरों पर लगाती है, मतलब कि ईवा को भी किसी तरीके की बीमारी थी। फिर वहां से ईवा एक अपार्टमेंट की ओनर जेप से मिलने आती है, जो उसे एक फ्लैट दिखाने वाला था। जेप उसे फ्लैट दिखाता है जो कि कई मंथ से बंद पड़ा हुआ था। पहले जो उस फ्लैट में रहा करता था उसका बहुत सारा सामान अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो अचानक से वहाँ से भाग गया था और उसने जेप को कई मंथ का रेंट नहीं दिया था। अब उस फ्लैट का रेंट ज़्यादा नहीं था, जो कि ईवा के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, तो इसीलिए वो उस फ्लैट को पसंद कर लेती है और अगले दिन से उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। वो जब घर का सामान शिफ्ट कर रही थी तो उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है, जो कि उसका नेबर था और वो उसके साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था। अब एलेक्स का बिहेवियर देखकर कैट को एलेक्स बहुत ही पसंद आता है, लेकिन ईव के लिए एलेक्स बस एक नॉर्मल लड़का था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं और केट को भी ईव का फ्लैट बहुत ही पसंद आता है, लेकिन सामने वाले बिल्डिंग से हैरी नाम का एक आदमी हमेशा अजीब तरीके से ईवा के फ्लैट की तरफ देखता रहता था, जो बात उन दोनों को पसंद नहीं आती है। केट हैरी को गाली भी देती है, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ा रहता है, तो इसलिए वे दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईवा के सामने वाले अपार्टमेंट से कोई पर्सन डोर के कीहोल से ईवा के अपार्टमेंट पर नज़र रखे हुए हैं, जो बात उसे नहीं पता थी। अब अगले दिन ईवा ऑडिशन दे देती है, लेकिन जजेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि उन्हें ईवा की एक्टिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो ईवा को डायरेक्टली बुरा नहीं कहते हैं। जिसके बाद ईवा घर आती है और घर आने के बाद उसे केट का एक मैसेज मिलता है, जहाँ पर केट उसे पार्टी के लिए क्लब में बुलाती है। रात को दोनों क्लब में जाती है और वहाँ पर बहुत इंजॉय करती है। वहीं पर उन्हें एलेक्स दिखाई देता है। ईवा एलेक्स दूर रहना चाहती थी, लेकिन केट एलेक्स को उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाती है। एलेक्स भी उनके पास में आता है और तीनों ड्रिंकिंग और डांसिंग करते हैं। फिर क्लब से वापस आने के बाद में एलेक्स दोनों को ड्रिंक करने के लिए अपने अपार्टमेंट पर इनवाइट करता है। केट उसकी बात मान जाती है, लेकिन ईवा अपने घर पर जाकर सोना चाहती थी, लेकिन केट जिद करके ईवा को अपने साथ में एलेक्स के अपार्टमेंट में ले जाती है। वहाँ पर एलेक्स उन्हें वाइन ऑफर करता है और तीनों बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एलेक्स एक डॉक्टर है और उस घर में अकेला रहता है। यहाँ पर केट एलेक्स के पास आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उससे एलेक्स पसंद आ गया था, लेकिन एलेक्स की नज़र सिर्फ ईवा की तरफ थी। अब रात बहुत हो जाती है, तो इसलिए कुछ ही टाइम के बाद में ईवा अकेले ही अपने अपार्टमेंट में चली जाती है,
लेकिन यहाँ पर अभी भी सामने वाले अपार्टमेंट से कोई इंसान इवा पर नजर रखे हुए था। ऊपर से सामने वाली बिल्डिंग से हैरी भी इवा के अपार्टमेंट की तरफ देख रहा था। हैरी को देखकर इवा को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी देखना चली जाती है। कुछ ही टाइम के अंदर इवा को नींद आ जाती है और तब कोई इंसान इवा के घर में घुसकर उसे किडनैप कर लेता है। काफी देर के बाद में जब इवा की आंखें खुलती है तो खुद को एक बेसमेंट रूम के अंदर चेन से बंधा हुआ पाती है। उस रूम में कई सारे कैमरास लगे हुए थे जिनसे कोई उसके ऊपर नजर रखे हुआ था। इवा काफी कोशिश करती है अपने हाथ पर बंधी चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसे तोड़ नहीं पाती है। फिर अचानक से रूम के स्पीकर से किडनैपर के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ आती है। इवा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है, लेकिन वो किडनैपर जवाब देने के बजाय स्पीकर पर जोर जोर से गाने चलाने लगता है, जिससे कि इवा को बहुत ही परेशानी हो रही थी। और अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर इवा को डोर के खोलने की आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी देर के बाद में जब लाइट फिर से ऑन होती है तो इवा अपने पास में खाने की प्लेट देखती है। अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि उसके पास में कोई है। वो उस तरफ टेबल लाइट को पॉइंट करती है और वहाँ पर उसे वही किडनैपर बैठा हुआ दिखाई देता है जिसने गैस मास्क पहना हुआ था, और उसे देखकर इवा बहुत डर गई थी। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दें, लेकिन किडनैपर इवा की बातों को इग्नोर करके बेसमेंट के डोर को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम जेब को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान था। तभी उसके पास में एलेक्स आता है जो उसे इस मंथ का रेंट देता है। रेंट देते टाइम एलेक्स जेब के घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। तब जेब उसे बोलता है कि अंदर उसकी गर्लफ्रेंड है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है। एलेक्स एक डॉक्टर था तो जेब की गर्लफ्रेंड का चेकअप करना चाहता था, लेकिन जेब उसे घर के अंदर आने नहीं देता है और वापस अपने घर पर भेज देता है। हमें यहाँ पर जेब की हरकतें थोड़ी अजीब लगती है, जैसे कि किडनैपर वही हो। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ किडनैपर कौन है। इधर इवा कैमरा की तरफ देखकर उस किडनैपर को उसके हैंडकफ खोलने को कहती है क्योंकि उससे बाथरूम जाना था। कुछ देर के बाद में किडनैपर जब उसके पास में आकर हैंडकफ खोलने लगता है तो इवा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है। किडनैपर इवा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ भी सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन अब उसे बाथरूम जाना ही है। जिसके बाद में किडनैपर उसका हैंडकफ खोलता है और इवा बाथरूम के अंदर जाती है। बाथरूम के दीवार के होल से रूम की तरफ देखने पर उसे किडनैपर नजर नहीं आता है। वो भागने के बारे में सोचती तो है, लेकिन वो किडनैपर बाथरूम के डोर के पास ही खड़ा हुआ था। और इवा जब बाथरूम से निकलती है तो फिर से उसके हाथों पर हैंडकफ लगा देता है। गुस्से में वो अपने पास में रखा हुआ खाने का प्लेट फेंक देती है और किडनैपर से पूछती है कि क्या उसे किडनैप किया गया है। किडनैपर गुस्से में इवा के सर पर एक थप्पड़ मारता है जिससे उसके फोरहेड पर एक कट लग जाता है। फिर वो इवा के फेस को प्यार से टच करता है और बेसमेंट से चला जाता है। बाहर आने के बाद अपने कंट्रोल रूम से किडनैपर इवा पर नजर भी रखता है। फिर उसी रात इवा को अपने बेड पर लिजा नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद इवा से पहले किडनैपर ने लिजा नाम की किसी लड़की को वहाँ पर किडनैप किया होगा। उसी समय वहाँ पर किडनैपर आता है जो कि इवा का ब्लड सैंपल लेता है। तब इवा उसे लिजा के बारे में पूछती है, लेकिन किडनैपर अभी भी उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो इवा का हैंडकफ खोलता है और उसे कुछ कपड़े देकर नहाने को कहता है। उसकी बात मानकर इवा नहाकर आती है, जिसके बाद में किडनैपर फिर से उसको हैंडकफ लगाकर वहां से चला जाता है। किडनैपर के वहां से जाने के बाद में इवा वहां पर मौजूद एक चेयर का लेग तोड़कर उस लेग से वहां के पाइप में मारने लगती है। दूसरी तरफ जैप जब बाथरूम में था तो उसे पाइप से इवा की वही आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज क्लियर नहीं थी तो इसलिए जैप कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तो वहीं पर एलेक्स को भी पाइप से वैसी आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ पर इवा को चिल्लाने से रोकने के लिए किडनैपर उसके पास आता है जो कि टीजर गन से इवा को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला था। तब सही मौका देखकर इवा उसे चेयर के लेग से किडनैपर को पीटने लगती है और उसका गैस मास्क उतार देती है। तब जाकर हमें पता चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है। एलेक्स तुरंत उसी टीजर गन से इवा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। अब तक हम सभी को लग रहा था कि किडनैपर जेप होगा, लेकिन यह हम सब ऑडियंस के लिए बहुत ही शॉकिंग था कि इतना वेल बिहेव जेंटलमैन एलेक्स किडनैपर भी हो सकता है। लेकिन इस सब के पीछे उसका असली मकसद क्या है यह हमें आगे ही पता चलेगा, और अब से हम उसे किडनैपर नहीं बल्कि एलेक्स से एड्रेस करेंगे। अब एनीवे इवा को बेहोश करने के बाद में एलेक्स जल्दी से बेसमेंट से ऊपर रूम की तरफ आकर मेन डोर को खोलता है क्योंकि जेप उसके अपार्टमेंट में आया था। जेप उसको पाइप से आने वाली आवाज़ के बारे में पूछता है कि वो पाइप्स का कुछ काम कर रहा है इसीलिए वहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसकी बात सुनकर जेप वहाँ से अपने घर अपने गर्लफ्रेंड के पास में आता है। यहाँ पर इवा की जब आंखें खुलती है तो वो एलेक्स को गाली देने लगती है। तब वो इवा को सबक सिखाने के लिए बेसमेंट में फैन चला देता है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और इवा को तकलीफ होने लगती है। पर कुछ देर के बाद एलेक्स वहाँ के फैन बंद कर देता है और इवा के पास में आता है। यहाँ पर एलेक्स जब भी बेसमेंट में आता था तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लाया करता था और उसी से वो वहाँ पर सांस लेता था। एलेक्स उसे बताता है कि केट को उसने कुछ नहीं किया है, वो अपने घर में होगी और उसे भी वो कुछ ही दिनों में छोड़ देगा और इसीलिए उसे कुछ दिनों के लिए उसकी बातें मानना होगी। इवा उसे अपनी बातों में फंसाने का ट्राई करती है कि वो उसे छोड़ दे, वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी।
लेकिन एलेक्स उसकी बातों में नहीं फंसता है। अचानक से इवा को उल्टी होने लगती है क्योंकि उसने अपना मेडिसिन नहीं लिया था और वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है उसकी मेडिसिन लेने के लिए, जिसके बाद में एलेक्स चुपके से इवा के अपार्टमेंट में जाता है और उसकी मेडिसिन अपने साथ में ले लेता है। साथ ही वो इवा के पेट डैन को भी अपने साथ में ले लेता है। यहाँ पर जेफ ही वो आदमी था जो कि अपने डोर के कीहोल से इवा के अपार्टमेंट पर नजर रखे हुआ था और वो एलेक्स को उसके अपार्टमेंट से निकलते हुए देख लेता है, जिसके बाद में उसे एलेक्स पर शक होने लगता है। यहाँ पर एलेक्स इवा का सभी सामान लेकर बेसमेंट में जाता है। एलेक्स का वो बेसमेंट उसके लिविंग रूम के सोफे के नीचे था, मतलब कि नॉर्मली देखने पर ही पता चल सकता था कि सोफे के नीचे बेसमेंट है। अब एनीवे एलेक्स इवा के पास में आता है और उसे उसका इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद में इवा को थोड़ा अच्छा फील होता है। साथ ही इवा को उसका पेट भी मिल गया था तो उससे उसके आने से थोड़ी खुशी मिलती है। तभी एलेक्स को अपना अपार्टमेंट का डोरबेल सुनाई देता है। वो फिर से ऊपर जाकर डोर को खोलता है जहाँ पर जेफ उसके घर पर आया था, ताकि वहाँ के पाइप्स को चेक कर सके। एलेक्स उसे मना भी करता है, लेकिन जेफ जबरदस्ती पाइप चेक करने के लिए उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है क्योंकि वहाँ का मालिक वही था। जिसके बाद में जेफ बाथरूम के पाइप चेक करने लगता है और एलेक्स को वो कॉफी बनाने के लिए किचन में भेज देता है। वहीं पर इवा को पता चल चुका था कि बेसमेंट के ऊपर वाले रूम में कोई बाहर का आदमी है, तो इसीलिए वो पाइप्स को पीट पीट कर वहाँ पर चिल्लाकर आवाजें लगाने लगती है। उन आवाजों से जेफ को समझ आ गया था कि कोई इंसान एलेक्स के घर में फंसा हुआ है, तो इसीलिए वो एलेक्स को एक एक्स्ट्रा पाइप लाने को कहता है और उसके जाते ही जेफ घर की तलाशी लेने लगता है। तभी एलेक्स पाइप लेकर उसके पास में आता है और जेफ उससे पहले के बेसमेंट के डोर के बारे में पूछता है, क्योंकि पहले जहाँ पर बेसमेंट का डोर था वहाँ पर अब एक दीवार है और नया बेसमेंट का डोर सोफे के नीचे है। उसके बारे में जेफ को कुछ आइडिया नहीं था, तो वहीं पर इवा अभी भी आवाजें कर रही थी जो कि किचन के पाइप से भी जेक और एलेक्स को सुनाई दे रही थी, और जेफ इन्हीं सब के बारे में एलेक्स से जवाब मांगता है। एलेक्स के पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। ऊपर से जेफ को पता चल गया था कि सोफे के नीचे अब बेसमेंट का डोर है, तो इसीलिए एलेक्स उसी पाइप से जेफ का गला घोटकर उसे जान से मार डालता है। जेफ खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर दम घुटने से वो तड़प तड़प कर मारा जाता है, जिसके बाद में एलेक्स जेफ की डेड बॉडी को लेकर बेसमेंट के अंदर आता है और उसकी लाश इवा के सामने रखता है। एलेक्स इवा की हरकतों से इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने इवा के पेट डैन को दीवार पर पटक पटक कर उसके सामने जान से मार दिया था। एलेक्स की इन हरकतों से इवा बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। फिर उसी दिन डैनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर जेफ के घर पर इवा के मिसिंग होने के बारे में पूछने के लिए आता है। जेफ को उसके घर में न देखकर डैनी उसे कॉल करता है। उस समय जेफ का फोन उसकी लाश के साथ में इवा के पास में पड़ा हुआ था। लकीली इवा फोन की रिंग को सुन लेती है और उस फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ बता पाती उससे पहले एलेक्स खाना लेकर आ जाता है, तो इसलिए इवा फोन को छुपा देती है। लेकिन जब एलेक्स वापस जा रहा था तो उसी समय वो फोन फिर से रिंग होता है। इवा उस फोन को पिक करती, उससे पहले एलेक्स उसको पकड़ लेता है और खुद फोन को पिक करता है। फोन पर पुलिस थी, जिससे एलेक्स झूठ बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस प्रैंक कॉल कर रही है, जिसके बाद में एलेक्स उस फोन को तोड़ देता है। एक पल के लिए जब एलेक्स का ध्यान भटकता है तो इवा उसके सर पर टेबल लैंप से वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद इवा बेसमेंट से बाहर आती है और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन वहां पर हर तरफ डोर और विंडो लॉक थी। ऊपर से मेन डोर पर एक कोड लॉक भी लगा हुआ था, जिसका अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। इवा विंडो का ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ग्लास उससे नहीं टूटता है। तभी उसे एक रूम में व्हीलचेयर पर बैठी हुई एक पैरालाइज्ड लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसके पास में टाइम कम था तो इसलिए इवा उस लड़की को इग्नोर करके वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक वेंटिलेशन खुला हुआ नजर आता है, जहां से वो अपना सर बाहर निकालकर हेल्प के लिए चिल्लाती है। इवा को सामने की बिल्डिंग में हैरी दिखाई देता है, क्योंकि हैरी अंधा था तो इसीलिए वो एक ही जगह पर घंटों तक देखता रहता था। तब तक एलेक्स वहां पर आ चुका था, जो कि इवा को पकड़कर घर के अंदर लाता है और इवा उसके सर पर एक फ्लावर पॉट को मारती है। तब एलेक्स उसको गुस्से में मार मार कर बेहोश कर देता है और उसे बेसमेंट पर ले जाकर बांध देता है। सीन कट होता है और डैनी जब जेफ को कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था तो वो इवा के अपार्टमेंट में जाता है। वहां की चीजें देखकर उसे समझ में आ गया था कि इवा को किसी ने किडनैप किया है, जिसके बाद में वो एलेक्स घर पर आता है और वो उससे इवा और जेफ के बारे में पूछता है। एलेक्स उसे बहुत ही नॉर्मली जवाब देता है कि वो इवा से बस एक ही बार मिला है और उसे वो एक नॉर्मल लड़की लगी थी। फिर एलेक्स डैनी के लिए पानी लेने जाता है और उस दौरान डैनी को सोफे के ऊपर फ्लावर पॉट का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे एलेक्स पर थोड़ा शक होता है। ऊपर से उसे एलेक्स के सर से खून निकलता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन वो एलेक्स के सामने उसे ये नहीं जताता है कि उसे उसके ऊपर शक है। अब डैनी के जाने के बाद में एलेक्स इवा के पास में आता है और तब वो उसे व्हीलचेयर पर बैठी हुई उस लड़की के बारे में पूछती है। तब एलेक्स उसे बताता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसका कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो पैरालाइज्ड है, और अगर इवा अच्छे से कोऑपरेट करेगी तो वो कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देगा। फिर एलेक्स इवा का फिर से ब्लड सैंपल लेता है और वहां से चला जाता है। फिर वो अपने गर्लफ्रेंड के पास में आता है चेक करने के लिए, जिससे वो बोलता है कि कल के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
अगले दिन पुलिस ऑफिसर डैनी इंटरनेट से एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है। वहां से उसे पता चलता है कि एलेक्स बचपन से कई सालों तक डॉक्टर मेनो नाम के एक साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ले रहा था, जिसके बाद डैनी डॉक्टर मेनो से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एलेक्स एक क्लस्ट्रोफोबिक है और एक शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट भी है। ये प्रॉब्लम उसके चाइल्डहुड के उस इंसिडेंट से शुरू हुई, जहाँ पर लिसा नाम की एक लड़की ने प्रिंक के नाम पर एलेक्स को एक मॉर्ग में बंद कर दिया था, जहाँ पर एलेक्स 3 दिन तक बंद रहा था। 3 दिन के बाद में जब उसे रेस्क्यू किया गया तो पूरी तरीके से बदल गया था और एक मेंटल पेशेंट बन चुका था। तभी से एलेक्स एक क्लस्ट्रोफोबिक है, मतलब कि मूवी के शुरुआत में हमने जिन 2 बच्चों को देखा था वो एलेक्स को ले जाते। एलेक्स एक क्लस्ट्रोफोबिक था तो इसीलिए वो बेसमेंट पर जाते समय ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाता था। वैसी जगहों में उसे घुटन फील हुआ करती थी। वो तब उसे उसके बचपन का वही समय उसे याद आता था। उसकी वो यादें इतनी ज़्यादा भयानक थी कि एलेक्स ने अब तक 3 बार अपने आप की जान लेने की भी कोशिश की थी। यहाँ पर एलेक्स इवा और अपनी गर्लफ्रेंड पर किसी तरीके की सर्जरी करता है। सर्जरी के कुछ टाइम के बाद में जब इवा को होश आता है तो उसे अपने पेट में बहुत ही दर्द फील होता है। जब वो अपनी टी शर्ट ऊपर करके अपने पेट को देखते हैं तो उसे वहाँ पर एक कट नजर आता है। तभी एलेक्स उसे स्पीकर पर ये बताता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी किडनी निकाल ली है, क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसकी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। वो इवा को उसके पास ही में रखे हुए पेन किलर को लेने को कहता है। साथ ही वो इवा को ये भी बताता है कि वो उसे 4 दिन के बाद में छोड़ देगा। लेकिन इवा को अब तक समझ में आ गया था कि 4 दिन के बाद में एलेक्स उसे छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे मार डालेगा, क्योंकि उसको जो काम था वह पूरा हो चुका है और उसे उसकी किडनी मिल चुकी है। इवा बहुत ही ज्यादा दुखी थी और बहुत रो रही थी, क्योंकि बिना किसी गलती के उसकी बॉडी का एक पार्ट उसे छीन लिया गया था। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी चीजें फेंकने की वजह से जो पास की दीवार का एक हिस्सा टूटा था, उसके अंदर से उसकी दोस्त केट की डेड बॉडी निकलती है, मतलब कि एलेक्स ने केट को भी जान से मार दिया था ताकि कोई भी विटनेस वहां से बचे नहीं, और केट को मारकर वही बेसमेंट के एक दीवार के पीछे छुपा दिया गया था। तो वहीं पर डैनी को इंटरनेट से पता चलता है कि लिसा नाम की वो लड़की 1-2 साल से मिसिंग है, और उसकी फोटो से हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जिस इवा की वजह से एलेक्स इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था, उसे इतना बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ था, उसे लिसा को उसने गर्लफ्रेंड क्यों बनाया और उसका ध्यान वो क्यों रख रहा है, ऊपर से लिसा को सभी लोग मिसिंग क्यों मान रहे थे। लेकिन डैनी को पता था कि ये सभी सवालों के जवाब उसे एलेक्स के घर से मिलेंगे, तो इसलिए वो एलेक्स को ट्रिक करके पुलिस स्टेशन पर बुलाता है और उसे उसके लिए वहां पर 20 मिनट का वेट करने को कहता है। एलेक्स भी उसकी बात मानकर पुलिस स्टेशन में डैनी का वेट करने लगता है। इस दौरान डैनी एक वेंटिलेशन से एलेक्स के घर में घुस जाता है और वहां की तलाशी लेने लगता है। एक रूम में उसे लिसा मिलती है, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि वो डैनी से बात कर पाए। अचानक डैनी को बेसमेंट से आवाज़ सुनाई देती है और तब वो उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। लकीली थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद डैनी को सोफे के नीचे मौजूद बेसमेंट का दरवाजा मिल जाता है, जिसके बाद में डैनी बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे इवा की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन वहाँ भी एक डोर था जो कि सिर्फ एक रिमोट से खुलता था और रिमोट एलेक्स के पास में था। तब डैनी इवा को प्रॉमिस करता है कि वो जाकर पुलिस को कॉल करके वहाँ पर ले आएगा और उसे बचा लेगा, क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क इशू है तो इसलिए पुलिस को कॉल नहीं कर पा रहा था। फिर डैनी कॉल करने के लिए जब ऊपर के रूम में जाता है तो एलेक्स उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद डैनी बहुत कोशिश करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन एलेक्स पूरी ताकत लगाकर एक लैपटॉप से डैनी का गला घोटकर उसे जान से मार डालता है, जिससे कि डैनी खून की उल्टे करके तड़प तड़प कर मारा जाता है। उसके बाद में एलेक्स डैनी की बॉडी को बेसमेंट पर लाकर रख देता है। ये देखकर इवा पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे जो कोई बचा सकता था उन सभी को एलेक्स ने मार दिया था। तो वहीं पर एलेक्स अपनी गन निकालकर डैनी को शूट करता है ताकि उसे जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं मिले। खुद को बचाने के लिए इवा एलेक्स को सेड्यूस करके उसकी गन लेने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसकी हरकतों में फंसता नहीं है और इवा को डराने के लिए उसकी तरफ गोली मारता है, जिसके बाद में एलेक्स लिसा के पास में आता है और इसके जख्मों को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल रहा है। तब एलेक्स को समझ में आता है कि उसकी सर्जरी अनसक्सेसफुल हुई थी। ये देखकर एलेक्स बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर लिसा को बचाना था। इधर इवा को डैनी के पॉकेट से एक नाइफ मिलता है, जिसे वो अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर वो अपने रेड के कैच से वहाँ की कुछ लाइट को तोड़ देती है। कुछ देर के बाद में एलेक्स स्पीकर पर इवा को आवाज लगाता है, पर इवा कोई भी रिस्पांस नहीं करती है, तो इसलिए वो बेसमेंट में इवा के पास में जाता है, जहाँ पर वो ब्लैंकेट लेकर सो रही थी। जब इवा कोई रिस्पांस नहीं करती है तो एलेक्स अपनी टीजर गन से उसे शॉक देता है, लेकिन ब्लैंकेट हटाने पर एलेक्स को समझ में आता है कि ब्लैंकेट के नीचे इवा नहीं बल्कि डैनी की डेड बॉडी थी, जो कि इवा ने उसे ट्रिक करने के लिए रखी थी। तब इवा उसकी टीजर गन को छीन कर उसकी बॉडी के ऊपर पॉइंट करके मेन डोर का कोड पूछती है। तब एलेक्स उसे 4782 कोड बताता है। कोड मिलने पर इवा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेसमेंट का डोर लॉक करके ऊपर मेन डोर की तरफ जाती है, लेकिन डोर उसे खुलता नहीं है।
क्योंकि एलेक्स ने उसे कोड गलत बताया था। तब इवा लीजा के पास में जाकर उसे मेंडोर का कोड पूछती है। यहाँ पर लीजा बात नहीं कर सकती थी तो इसलिए इवा उसे अपने पलके झपकाकर और खोलकर उसे कोड को बताने को कहती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोड का पहला नंबर था 3। लीजा 3 बार अपनी पलके झपकाएगी और ऐसे ही वो 315 बताती है। लास्ट का नंबर था 0 और उसके लिए लीजा अपने पलके नहीं झपकाती है, लेकिन इवा को ये इशारा समझ नहीं आता है। तब तक एलेक्स बेसमेंट से बाहर आ चुका था क्योंकि डोर का रिमोट उसके पास ही था। यहाँ पर एलेक्स उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है कि कैसे लीजा ने प्रियंका के नाम पर उसे एक मॉर्ग में 3 दिन तक ट्रैप करके रखा था, जिस वजह से उसको इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा झेलना पड़ा था और आज तक उस ट्रॉमा से बच नहीं पाया है। इसलिए उसने लीजा को किडनैप किया और उसे उसी बेसमेंट में टॉर्चर करके वो उससे अपना बदला लेने लगा। इसलिए उस बेड पर लीजा नाम लिखा हुआ था क्योंकि इवा से पहले लीजा वहां पर ट्रैप थी। साथ ही एलेक्स ने ही डेक्साक्यूरम नाम का एक मेडिसिन देकर लीजा को पैरालाइज करवा दिया था, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से लीजा की दोनों किडनी भी खराब हो गई थी। एलेक्स लीजा को मारना नहीं चाहता था, वो बस उसे टॉर्चर करना चाहता था और इस वजह से वो लीजा को टॉर्चर नहीं कर पा रहा था और उसके मन को शांति भी नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने इवा को किडनैप किया ताकि उसकी किडनी से वो लीजा को ठीक करे और जब लीजा पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो वो अपना गुस्सा लीजा के ऊपर निकाले और उसे लगातार टॉर्चर करके अपना बदला पूरा करे। अब वो इवा की दूसरी किडनी लीजा पर लगाना चाहता था, भले ही इसके लिए इवा की मौत हो जाए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बस अपना बदला चाहिए था। फिर एलेक्स इवा को गन पॉइंट पर लेकर बेसमेंट से मिलने जाता है, लेकिन मौका देखकर इवा एलेक्स को बेसमेंट के स्टेयर से नीचे गिरा देती है और उसका गन खुद उठा लेती है। इवा एलेक्स के पेट पर एक गोली भी मारती है, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब एक समय ऐसा आता है जहाँ पर एक तरफ डोर का रिमोट था और एक तरफ थी गन। तब एलेक्स जाता है गन को उठाने के लिए और मौके का फायदा उठाकर इवा डोर का रिमोट लेकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है और वो डोर को बंद कर देती है। अब एलेक्स चाहकर भी बेसमेंट से बाहर नहीं आ सकता था। एलेक्स इवा से बहुत रिक्वेस्ट करता है उसे बाहर निकालने के लिए। तब इवा स्पीकर पर जोर जोर से गाना चला देती है, जिस वजह से एलेक्स पागल होने लगता है। क्लस्ट्रोफोबिक होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है और उसे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आने लगता है। वो ये सब कुछ झेल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। एलेक्स की मौत के बाद में इवा लीजा को बताती है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। फिर वो 3150 कोड को डालकर उस अपार्टमेंट से बाहर आती है। सीन कट होता है और मूवी के आखिर में कुछ महीनों के बाद में हम इवा को देखते हैं जो कि ऑडिशन देते हुए दिखाई देती है। डायरेक्टर उसे किलर को देखकर एक्सप्रेशन देने को कहता है, जो कि इवा बहुत ही अच्छे से करती है क्योंकि इवा का सामना रियल लाइफ में एक किलर से हो चुका था और इसलिए उसकी एक्टिंग भी बहुत ही रियलिस्टिक और नेचुरल हो चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।